युद्ध का बारवा दिन और आप जब मॉर्निंग प्राइम टाइम के हमारे शो में जुड़ रहे हैं तो हम आपको बता दें खार्किव में लगातार धमाके हो रहे हैं। खार्किव जो कि दूसरा सबसे बड़ा शहर है वहां पर लगातार अटैक देखने को मिल रहा है और आलम यह है कि रशिया वहां पर बार बार बम गिरा रहा है। खार्किव जैसा कि हमने आपको बताया कि दूसरा सबसे बड़ा शहर है, रशिया के बेहद नजदीक है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात की जाए या फिर पढ़ाई लिखाई के तरीके से हर एक लिहाज से एक ऐसा इलाका है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। एक दौर में यह राजधानी भी हुआ करता था, हालांकि बदलते वक्त के साथ खार्किव कीव के सामने कहीं पीछे रह गया, लेकिन उसके बावजूद यह खबर जो है ये अपने आप में अहमियत रखती है। देखिए खार्किव में चाहे टेलीविजन टावर की बात की जाए या अलग अलग बिल्डिंगों की, हर एक इलाके को ध्वस्त किया जा रहा है। और क्या एक सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि क्या पुतिन इसके जरिए बार बार मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कीव को अगर नहीं हमला किया जा रहा कीव पर तो वो भी एक संकेत है, और उसके अलावा बाकी जगहों की रिहायशी इलाकों के छोड़कर अगर अलग अलग इलाकों पर हमला होता है तो वो भी एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है कि देखिए क्या हो सकता है यहां पर आपके कीव शहर पर भी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आई है वो खार्किव से, जहां पर टेलीविजन टावर को तबाह कर दिया गया है और इस धमाके को देर रात यहां अंजाम दिया गया। तस्वीरें हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। खार्किव पर रूसी सेना का ये बड़ा हमला, अलग अलग इलाकों में ये हमले जो हैं ये देखने को मिल रहे हैं, और इन सब के बीच में ये धमाका अपने आप में अहमियत रखता है क्योंकि खार्किव पर इससे पहले भी कई बार बड़े धमाके हुए हैं। आपको याद होगा पुलिस मुख्यालय की वो बिल्डिंग जिसे धराशायी कर दिया गया था, जिस पर ताबड़तोड़ बम बरसाए गए थे, और अब यहां पर टेलीविजन टावर पर भी ये हमला किया गया है। तो ये लाल निशान इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहा है ये दरअसल धमाके की साइट का है जहां पर ये धमाका हुआ है, और ये देखिए कैसे यहां पर ये मिसाइल आती है और ये यहां पर धमाका होता है। तो तस्वीरें खुद चीख चीख कर गवाही देती हुई, अपने आप में ये तमाम तस्वीरें काफी अहमियत रखती हुई।